हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो गाइज, मैं आई हूँ यहाँ पे आईएमटी। अभी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपलोड की थी यहाँ की रील, जो आप लोगों ने वॉच की होंगी। तो मैं यहाँ पे आती हूँ आईएमटी में, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, काफ़ी चौड़ा एरिया है। तो लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, बच्चे वगैरह भी आते हैं, बड़े बड़े जो भी आर्मी एंड फोर्स की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे इस साइड आते हैं, रनिंग वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी अच्छा है। तो मैं भी आ जाती हूँ रील बनाने के लिए, क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छे आते हैं, पीछे से ग्रीनरी वगैरह है काफ़ी। तो आए हैं मेरे साथ मानवी एंड वंश, आप देख सकते हो ये बैठे हुए हैं, और आप जो रील वॉच करते हैं वो मेरी बेटी बनाती है मानवी, और वंशी बनाती है, और ये वंश करता है परेशान। ये देखिए, इस पे अलावा बदतमीजी के और कुछ काम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके खरगोश वाले दांत। तो गाइज, अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को मंदिर, और वहाँ जाके दर्शन करते हैं आज भोले बाबा के। क्योंकि आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है। तो मैं जा रही हूँ आज मंदिर, और क्योंकि हस्बैंड एंड बेटी है जो वंशी, वो आएगी लेट आते हैं वो लोग, आ जाते हैं करीब 9 बजे के आसपास आते हैं। तो अगर उनको भी साथ लेके जाते या उनके साथ जाते तो काफ़ी लेट हो जाएंगी जाने के लिए, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं मंदिर और दर्शन कराते हैं आपको भोले बाबा के, यानी खाटू श्याम बाबा के, क्योंकि खाटू श्याम बाबा भी हैं मंदिर में और भोले बाबा भी हैं, तो सभी हैं वहाँ पे। चलिए आपको लेके चलते हैं, आप बने रहिए ब्लॉग में। वाओ, कितना सुंदर फोटो। गाइज, तो पहुंच चुके हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर। तो खाटू श्याम बाबा का मंदिर मैंने आपको पीछे एक ब्लॉग में भी दिखाया है, बट आज चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में, आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको खाटू श्याम बाबा के। तो देखते हैं, शायद मेरे ख्याल से पट बंद है क्या, तो देखते हैं गाइज, अभी शायद लग रहा है ऐसे कि जैसे पट बंद हो। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। आया जब जब करवट बदले, माँ चमक दे अपने बदले, सतुन जतने वाला
मस्त मौसम है क्योंकि स्वदेश है। अरे अभी डरानी के लिए तो करे तुम्हारा हाथ। एक बार बंधु पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया। क्यों क्रोध आ गया? एक दिन भोलेनाथ के बगल में बैठी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर, और वहां से देवता निकल के जाए, बार बार निकल के जाए और सुख सुविधाएं, और तुमने यहाँ भोले में चोले में बिठा रखा है। अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर से, एंड उतनी देर में तो हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी, वहाँ पे तो जाम लग गया, एंड अब निकल चुके हैं। और चलो अब और मंदिर में चल रही है भागवत कथा, बहुत अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाएं, बट अभी नहीं है टाइम थोड़ा सा, क्योंकि दूध वाले आने वाले हैं, दूध वाला आने वाला है, फिर उसके बाद पूजा पाठ भी करनी है घर जाके। हाँ सारा काम है, तो दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम बाबा के, और आप लोगों को करा दिए हैं दर्शन। तो आप बने रहिए व्लॉग में और बताइए कि हमारा जो ये मंदिर है इतना अच्छा खाटू श्याम बाबा का, कैसा लगा आपको खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके? बहुत ज्यादा सुंदर मंदिर है। और गाइस हरियाणा में तो खाटू श्याम बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है, तो लोग बहुत पूजा करते हैं। और आपने पूरा भोले बाबा का भी वहाँ पे वो है, शिवलिंग है, माता रानी है, सब हैं, तो सबके हैं मंदिर। खाटू श्याम बाबा बीच में है, फ्रंट में, एंड और बाकी राधा कृष्ण है, हनुमान जी हैं, सारे हैं, सब भगवान हैं, सबके हैं। तो भागवत चल रही थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में बैठे हुए थे, तो परिक्रमा भी आज हम लोग नहीं लगा पाए, तो बाहर से दर्शन करके आ गए। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ। गाइस तो खाटू श्याम बाबा के मंदिर से आने के बाद बच्चों को लग रही है थोड़ी सी भूख। भूख क्या, बाहर मार्केट में आना है इनको, तो खाना है कुछ ना कुछ, तो ये लोग खाएंगे भी पानी पूरी, और ये लोग क्या, मैं भी खाऊंगी थोड़ी सी, 10 रुपए की तो खा ही लूंगी। तो चलिए गाइस खाते हैं पानी पूरी और दिखाते हैं आपको कि हम लोग कहाँ पे पानी पूरी खाते हैं। और हमारा एक बंधा हुआ ये पानी पूरी वाला, और इस पानी पूरी वाले से कम हम खा रहे हैं गाइस 15 साल हो गए। तो 15 साल से हम एक ही पानी पूरी वाला है हमारा। पहले हम सेक्टर दूसरे सेक्टर में रहते थे, तो उस वाले सेक्टर में था, लेकिन उसी का जो है पानी पूरी वाला, ये कहते हैं ना कि कौन सा है वो ब्रांच, तो गाइस ब्रांच है उसकी, यहाँ पर मतलब दूसरी रेहड़ी खोली हुई है उसने, उसकी जगह जगह मतलब एक किसी सेक्टर में कोई बैठा हुआ है भाई बन, तो किसी दूसरे सेक्टर में दूसरा भाई बैठा है, तो इस तरह से इन लोगों ने रेहड़ी जगह जगह सेक्टर में लगाई हुई है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, हमारा घर यहाँ हो गया है, तो अब यहाँ पे हम खाते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं आज कि हम लोग कहाँ पानी पूरी खाते हैं, और बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आइए यहाँ पे और एंजॉय कराते हैं। 3 तरह का पानी होता है इस पर, मीठा, खट्टा एंड हींग वाला पानी। तो चलिए खा लेते हैं पानी पूरी और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। गाइस तो देखिए ये हैं पानी पूरी वाले भैया जिनसे हम बहुत सालों से खा रहे हैं, आप देख सकते हैं अभिषेक चाट पॉइंट, अभी आपको बताया था। तो काफी टेस्टी पानी पूरी है इनकी। दो तरह की रखते हैं ये लोग, आटे की एंड सूजी की। गाइस तो ये बन रही है यहाँ पे टिक्की, तो देखिए देखने में काफी टेस्टी लग रही है। और ये छोले डालते हैं इनमें, ये देखिए भाई है बहुत टेस्टी बनाता है, हेलो कर दे, हाथ हिला दे यूं करके भाई। गाइस तो मानवी खा रही है टिक्की, देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी टिक्की है, ऊपर से प्याज वगैरह डाल के अच्छे से देते हैं। तो ये लड़की देखिए खा रही है एंजॉय खपो। हाँ तो ये मीठी पापड़ी, ये मीठा पानी है, वेरी टेस्टी, एंड ये है खट्टा पानी,
और ये है हींग का पानी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये मिल जाएंगे आपको हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में। आप आइए और एंजॉय कीजिए। अभिषेक चाट पॉइंट के नाम से है चाट पॉइंट, तो 15 ईयर हो गए हमको खाते खाते यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं खाने के लिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमें तो कहीं और के अच्छे ही नहीं लगते, यहीं के खाते हैं। तो चलिए आप बने रहिए व्लॉग में। तो गाइस ये है मीठे पापड़ी, देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो ये बनाइए बिना प्याज की, क्योंकि आज के दिन प्याज नहीं खा सकते। तो गाइस लेने आया है ये अभी आइसक्रीम बेटा, पता नहीं कौन सा चाहिए होता है इसको फ्लेवर, फटाफट ले लो जल्दी से। आइसक्रीम भी होती है ब्रिक में है ये बेटा, दिखाओ कौन सी चाहिए। आइसक्रीम नहीं है ये सेंटा क्लॉज, जल्दी फटाफट डिसाइड करो, इतने घंटे मत लगाया करो, अभी घर भी जाना है। इनमें से देख लो कोई, इनमें से ये देखो, ये नहीं, ये वाली है, ये वाली उसकी साइज़। ये लो तो, गाइस मान भी खा रही है ये देखिए कुल्फी, पता नहीं कितना खाने वाली है, उम्मीद लगेगी। मम्मी बोल रही है कि मैं खा रही हूँ, और देखो ये देखो मम्मी भी खा रही है। मैं से बोल रही थी गाइस लड़की इतना खाती है, यहाँ तक कि पानी पूरी खा कर रही थी, उसके बाद मम्मी ने वो मीठी वाली पानी पूरी भी खाई थी पूरी एक प्लेट, और अभी खा रही है। तो गाइस बच्चों ने एंजॉय कर लिया पानी पूरी, और इसने खाई है टिक्की, और देखिए अब खा रही है आइसक्रीम, और मैं भी खा रही हूँ ये। तो गाइस ये जो कुल्फी है ये काफी टेस्टी है, एंड ड्राई फ्रूट भी होते हैं इसमें सारे, बादाम काजू किशमिश, तो काफी टेस्टी कुल्फी होती है। ओनली 20 रुपीज, 20 रुपए की आती है बस। गाइस मैं दूध दूध बाहर निकल गया, चॉकलेट अंदर है, वाह इसका दूध बाहर निकल। देखिए कि इसकी जो दूध दूध था वो तो स्टिक में लग गया था, वो खाली था, और फिर बाहर फेंका तो इसमें शीशे पे भी लगा दिया, और अब देखो इसके अंदर चॉकलेट बच गई, वो खा। और मम्मी यहाँ पे ड्राइविंग कर रही है, और हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, और इसको देखो मजे कर रहे हैं, एंजॉय ये देखो गाइस, देखो 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 इसको देखो, मुंह देखो, रोज रोज पैसे खर्च कराने हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं घर पर, तो चलिए अब चलते हैं घर पे और करते हैं काम, लगते हैं काम में शाम के में। चलो चलो गंदी बात नहीं, क्या हो रहा है ये? हाँ क्या क्या चाहिए था, क्या चाहिए था? आइसक्रीम चाहिए थी, आइसक्रीम चाहिए थी बाबू, आइसक्रीम चाहिए थी, आइसक्रीम चाहिए थी ना, क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, आइसक्रीम चाहिए थी। हम ले तो नहीं आए, खुद अकेले अकेले खा के आ जाते हैं बाबू के लिए, आइसक्रीम नहीं लेकर आते। डॉग्स कोई आइसक्रीम थोड़ा खाते है, डॉग्स आइसक्रीम नहीं खाते, नहीं खोते। मेरी मायने बाव में डन 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 फोड़ दे फोड़ दे, मेरी मायने, मेरी मायने बाव में, मेरी मायने कब आई लो, घूमने का टाइम नहीं हुआ अभी, अभी घूमने का टाइम नहीं। हाँ जगह जगह नदी में पूछ रहे हो सबसे कहाँ गए थे, मुझे क्यों नहीं लेकर गए साथ में, मायलो को साथ में क्यों नहीं लेकर गए, कोई भी बताओ, नहीं ना क्यों नहीं लेकर गए, बताओ क्यों, बता दो पहले, पहले बोल के बताओ फिर बात करेंगे आगे। आओ करो आओ करो आओ, क्या क्या किया तुमने घर में, क्या क्या किया था, क्या मैं किया था? मैं बच्ची बच्ची वाली मैंने बोल जाना, बताओ काका किया था, मैंने मजे करी, मैंने छुईया पैजी की जी खाई, क्या क्या किया था मालू ने, मालू ने कब किया था, मालू ने कब किया था, घर में खाना खाया, पानी पिया, सोई सोई की कुछ खान गया, मैं भूखी भूखी लग गई है, चाय पैसे की मैंने खत्म कर दी। हे गाइस हम भाई का लो बच्चों,
पढ़ने का टाइम हो गया तुम्हारा बेटा। तो देखिए एक बच्चा है इस घर में और ये एक तो काम खराब करता है, फिर ऊपर से इसके नखरे सहन करो। तो देखिए एक तो इसने पिल्लो की सारी पूरी चैन खराब कर रखी है देखो, और अब देखना ये मतलब पूछते हैं इससे क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, है? किसने मारा है, किसने? अच्छा ये बता पानी क्यों फैलाया था? नहीं सारी बोतल का ढक्कन क्यों खोल दिए थे बता? नहीं नहीं तो सारी बोतल का ढक्कन खोल के आपने पूरा पानी फैला दिया रूम में बताओ, और अब येलो वाली बोतल का जो ढक्कन है वो मिल भी नहीं रहा। बैड बॉय, इसने हमेशा ब्लेम करते हो दूसरों को, दूसरे को चुप हो जा बिल्कुल, हाथ डाले मार। अरे तो पिल्लो तो हटा ले मुंह के सामने से, पिल्लो तो हटा ले। गैस बाहर कर हमरा चूरन। बस बस ज्यादा मत बन, देखो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि ये इतना छोटा बच्चा है और अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाता है। चुप हो जा तुम, आलू घुमा के लगे छोड़ो। ये मेरा बच्चा क्यों रो रही है? नहीं मजाक मत उड़ा। ओके चलो तुम आलू घुमा के ले जा, निकल अब यहाँ से फटाफट जा चलो। तो अच्छा ठीक है, तो ये बता तू क्या खाएगा डिनर में, क्या खाना है तेरे को बताइयो, क्या खाना है तेरे को, क्या भूख लगी है? सब कुछ रखा है, अभी तो तू पानी पूरी खा के आया है पूरा। गाइस को भी दिखाया था हमने, पानी पूरी दिखाई थी तुझे खाते हुए मीठे वाले पानी से, है? बस उससे कुछ पेट भरेगा मेरा, तो किससे भरेगा? उससे बस दो पानी पूरी खा ली उससे दो पेट भरेगा। तो खाना बना तो रही हूँ फिर मैं, दो पानी पूरी खा ली और एक आइसक्रीम बस। और क्या चाहिए, पत्थर? गोबर बस, बस गोलगप्पे और एक आइसक्रीम खा ली। सुबह से गिनना जरा आज क्या क्या खाना खाया तुमने। बस दो गोलगप्पे और आइसक्रीम, बस दो गोलगप्पे और आइसक्रीम से पूरा आज 18 जुलाई का पूरा दिन निकला तेरा। अब मैं बताती हूँ भूत खा कर आए और दोपहर में मैगी भी इसके भूत ने खाई है। गुलकंडी भी इसके भूत ने पी है। गुलकंडी बड़ा इसका पेट पड़ेगा, मैगी से तो की पड़ेगा ही, मैगी जी बड़ा किसका पेट भरेगा। आलू के पराठे तो भरेगा ही, आलू के पराठे तो मैं खा के नहीं आया था। मन भी अब छोड़ बेटा, अब लड़ाई नहीं तो पिटाई होगी बहुत ज्यादा, जाओ फटाफट निकलो यहाँ से। शायद बन गई क्या? मन भी नहीं बेटा, लड़ाई नहीं तो पिटाई होगी बहुत ज्यादा। वाह वाह करो तो। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा है कवि ने, क्या खूब कहा है कवि ने, क्या कहा है कवि ने बता दूंगा इसको कि क्या कहा है कवि ने, कवि ने आपने उसको कुछ होश ही नहीं। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ डिनर में खिचड़ी, तो चावल ले लिए हैं ये बासमती राइस हैं, और डाल लेंगे इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल। तो मूंग की दाल की आज पतली सी खिचड़ी बना के खाएंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो डिनर में थोड़ा मैं हल्का ही रखती हूँ। तो आज खिचड़ी खाने का मन है, काफ़ी टाइम से खिचड़ी नहीं बनाई, तो सब कह रहे थे चलो आज खिचड़ी बना लो डिनर में। तो गाइस अभी थोड़ी देर के लिए भिगो के छोड़ देते हैं चावल और दाल को करीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि थोड़े से ये फूल जाएंगे तो थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ खिचड़ी की, तब तक ये भीगेंगे तो मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी
प्याज तो नहीं डालूंगी आज खिचड़ी में, क्योंकि आज सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो सोमवार के दिन प्याज मैं नहीं बनाती। तो चलिए आलू कट कर लेते हैं एंड टमाटर कट कर लेते हैं, हरी मिर्च वगैरह थोड़ी बहुत। मैं सिर्फ दो ही आलू डालूंगी, इनफ रहेंगे दो आलू, तो चलिए इनको कट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए दूध एकदम फाइनली गर्म हो चुका है और इसमें एकदम अच्छे से बढ़िया तरह से उबाल आ चुका है। तो गाइस आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कुकर, नॉन स्टिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो चलिए डाल लेते हैं इसमें तेल, सरसों का थोड़ा सा, एंड चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक टमाटर। तो टमाटरों को थोड़ा बारीक बारीक ही काट लेंगे, जिससे कि इन्हें गलने में परेशानी ना हो, क्योंकि आजकल टमाटर कुछ ऐसे ही आ रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगता है इनको गलने में। तो इसके साथ काट लेंगे दो हरी मिर्च, तो हरी मिर्च भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और अगर आप हरी मिर्च खिचड़ी में खाना पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेल हो चुका है गर्म और डाल दूँगी मैं इसमें हींग जीरा, तो हींग जीरा ज़रूर डालना चाहिए। एंड इसके बाद डाल दूंगी मैं टमाटर कटे हुए और इसके साथ हरी मिर्च, और मिक्स कर दूंगी अच्छे से जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए ढंग से। तो थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे सिम गैस पे। एंड इसके बाद डाल देंगे सारे मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर, और ये सारे मसाले डालने के बाद कर देंगे मिक्स। तो देखिए 5 मिनट लगभग लग जाते हैं भुनने में मसाले को। और इसके बाद डाल देंगे ये दाल चावल भीगे हुए, जो 15 मिनट तक मैंने भिगो के रखे हुए थे, तो इसको डाल देंगे एंड मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो इसके बाद काट जो दो आलू कट किए थे तो वो भी डाल देंगे साथ में, और डाल देंगे ऊपर से नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं नमक। एंड इसके बाद थोड़ा सा इसमें और पानी मिक्स कर देंगे, क्योंकि पानी थोड़ा कम है तो थोड़ा और ज़्यादा मिला देंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बने। तो इसके बाद लगा देंगे कुकर का ढक्कन। एंड देखिए गाइस तो खिचड़ी बन चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो 2 सीटी में बन जाती है खिचड़ी, और तो देखिए काफ़ी अच्छा ये इसका वो आया है, ना ज़्यादा गाढ़ी बनी है ना ज़्यादा पतली बनी है। तो बीच की हम लोग ऐसी ही पसंद करते हैं खिचड़ी खाना, जैसे कि ये बनाई है मैंने। तो चलिए लगा लेते हैं प्लेट, और ये प्लेट लगा रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए, तो वो ऑफिस से आ चुके हैं तो उनके लिए प्लेट लगा रही हूँ मैं, फटाफट से लगा देते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छी बनी है खिचड़ी, और डाल देते हैं 1 चम्मच घी इसमें, और हस्बैंड लेंगे दही के साथ और घी के साथ, तो मैं ये दही भी रख दूँगी उनके लिए। तो चलिए उनको दे देते हैं, अब सर्व कर देते हैं। एंड वो लेकर आए थे कुछ फ्रूट ऑफिस से आते टाइम, तो इनको वॉश करके मैं रख दूँगी और स्लैब पे रख दूँगी धोने के बाद सूखने के लिए, थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे। तो देखिए सारा काम फिनिश हो चुका है घर का, पूरा खाना पीना बच्चों ने सब खाना पीना खा लिया। खाटू श्याम बाबा का मंदिर, और आपको लेकर गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर में। तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट करके कि हमारे जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है ये कैसा है, और बाबा बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और आजकल तो भागवत कथा चल रही है वहाँ पे मंदिर में, तो काफ़ी रौनक हो रखी है मंदिर में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था तो मैं बैठ नहीं पाई भागवत में, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के आसपास दूध वाला आ जाता है और फिर रात की डिनर वगैरह की तैयारी। तो अगर गाइस थोड़ा बहुत भी इधर उधर टाइमिंग हो जाती है तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है 5 बजे और बच्चे जाते हैं 6:30 बजे, तो सारी टाइम टेबल एकदम फिक्स करके मुझे चलना पड़ता है, तो इसीलिए फिर मैं आ गई। बाकी भागवत कथा में बैठ के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, बी सेफ, टेक केयर योर सेल्फ, बाय।